एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस 10,000 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मौवने माहौलियाती तब्दीली रोमिना खुर्शीद आलम ने यह कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस्लामाबाद से मरियम इलाही तफसील रिपोर्ट करेंगी। तमाम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तकरीब का इनेकाद, मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के आदाद शुमार पेश। तकरीब से खिताब में रोमिना खुर्शीद आलम बोली, हमें माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से एक पेज पर आना होगा। हुकूमत पाकिस्तान मजीद शराकत दारियों पर तवज्जो मरकूज करेगी। We are trying to focus and having a different, planning to have a different discussions with the people from the industries, with the people from the banks, with the people from the real estate, and with the people of like cement industries and different. That how we can, you know, we all need to become on the one page. मिशन डेप्टी डायरेक्टर यूएसएड ने कहा, अमरीकी हुकाम केपी सिंध और बलूचिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से $10 मिलियन की लागत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर 10 सरे-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल है। The Pakistan Climate Financing Activity is going to, it's a new 4-year USAID Pakistan activity that is going to bring new resources and technical assistance to the country, to Pakistan, to help stakeholders here better position themselves to access climate finance. तकरीब से दीगर मुकर्ररीन का कहना था, वफाकी हुकूमत को माहौल साजगार सरगर्मियों के लिए वसाइल की जरूरत है। SIFC के तर्ज पर वफाकी सतह पर एक मौसर स्ट्रक्चर की जरूरत है। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में आज